तमाम देखिए दावे कर रहे हैं तो अभी जस्ट बरसात हुई है और उनका दावा सारा फेल हो गया होगा, सारा दावा फेल हो गया होगा। सरकारी योजनाएं में जहां तक तो उनको लूटने को मिल रहा है कि जहां सरकारी योजनाएं दे रही हो धरातल पर भी नहीं उतर पा रहा है, अगर धरातल पर आ भी रहा है तो वहां पर लूट मची है। मैं उन्होंने किस किस क्या क्या योगदान दिया है सामाजिक स्तर पर, किस मुद्दे पर वो चुनाव लड़ रहे हैं, तो हम आशुतोष जी जानना चाहेंगे, चूँकि निश्चित तौर से आप एक ब्राह्मण हैं और यदि बात करें बिहिया नगर पंचायत की तो अल्पसंख्यक है ब्राह्मण, इतने कम लोगों में, चूँकि निश्चित तौर से यदि चुनाव की बात करें तो जाति जनगणना बहुत ज़्यादा मायने रखती है, तो वैसे स्थिति में आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? देखिए नमस्कार, आप देख रहे हैं समृद्धि न्यूज चैनल और मैं हूँ अशोक तिवारी। अभी इस वक्त हम बिहिया नगर पंचायत में हैं और बिहिया नगर पंचायत में 10 अक्टूबर को चुनाव होने वाले हैं। हमारे साथ अभी मौजूद हैं चेयरमैन प्रत्याशी हैं आशुतोष मिश्रा जी, जानना चाहेंगे किन मुद्दों पे चुनाव लड़ रहे हैं, युवा हैं, कर्मठ हैं, जुझारू हैं, क्या क्या इनकी योजना है और क्या लग रहा है रुझान यहाँ बिहिया नगर पंचायत का, कैसे हैं आशुतोष जी? बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद आप। अच्छा क्या बताना चाहेंगे, चूँकि आप युवा हैं और कैसे आपके मन में ख्याल आया कि तमाम जिस तरह की राजनीति रंजिश चल रही है, जिस तरह का चुनावी मैदान में लोग कर रहा है, आपको भी लगा कि नहीं मुझे चुनाव लड़ना चाहिए, क्या क्या आपने सोचा है, क्या क्या प्लानिंग है और क्यों आप चुनाव लड़ना चाहें? जी अब सबसे पहले बिहिया की तमाम भगवान रूपी जनता को दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि आप युवा हैं, आपका क्या मुहिम मतलब क्या योजनाएं हैं, आप क्यों चुनाव लड़ रहे हैं, तो साफ साफ शब्दों में हम ये आपको बताना चाहते हैं कि अब बारिश हुई है, अभी अब बिहिया की सड़कों पर निकले हैं, अब देख सकते हैं कि बिहिया की सड़कें की हालात क्या है। और सबसे बड़ी यहाँ बात है कि 2002 से ही बिहिया नगर पंचायत का गठन हुआ है, लेकिन विकास के नाम में बिहिया सबसे पिछड़ा है। जगदीशपुर देख लीजिए, शाहपुर देख लीजिए, सभी जगह विकास हुए लेकिन बिहिया में 20 सालों में कुछ विकास नहीं हुआ है। विकास के नाम पर केवल यहाँ पर भ्रष्टाचार फैला है, कमीशनखोरी का अड्डा बन गया है, बहुत सारे अध्यक्ष यहाँ पर बने हैं लेकिन वो केवल कमीशनखोरी और भ्रष्टाचार में संलिप्त है। मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि जिस दिन अब इस 10 तारीख को बिहिया के सभी भगवान रूपी जनता और युवा साथियों ने मूड बना लिया है कि इस बार परिवर्तन करना है और युवा को लाना है, और जिस दिन मैं उस कुर्सी पर बैठूंगा 12 तारीख को रिजल्ट आएगा और उस 13 को शपथ, जब भी शपथ ग्रहण होगा सबसे पहले उन भ्रष्टाचारियों और कमीशनखोरों को मैं नहीं सलाखों के पीछे डलवा दिया, तो आप एक युवा की ताकत देखिएगा। अच्छा मुख्य पार्षद जो भी अभी तक रहे हैं तमाम लोग दावे कर रहे हैं कि हमने बहुत विकास किया है, बिहिया नगर पंचायत को जाके जहाँ से इच्छा देख लीजिए एकदम चकाचक है, फिर इतने तमाम देखिए दावे कर रहे हैं तो अभी जस्ट बरसात हुई है और उनका दावा सारा फेल हो गया होगा, सारा दावा फेल हो गया होगा। सरकारी योजनाएं में जहां तक तो उनको लूटने को मिल रहा है कि जहां सरकारी योजनाएं दे रही हो धरातल पर भी नहीं उतर पा रहा है, अगर धरातल पर आ भी रहा है तो वहां पर लूट मची है। आवास योजना में 20,000, पैखाना में 3,000, कोई भी काम आप करवाने जाते हैं, मृत्यु प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, कोई भी कागजात बनवाना चाहते हैं तो वहाँ पर 500 से लेकर 1,000 रुपया तक की वहाँ पर लूट मची है। और वो बोल रहे हैं कि सर लूट ही नहीं है, हम आपको भी यही अच्छा ये बताइए, यहाँ पर युवाएँ हैं, कितने युवाओं को इन लोगों ने रोज़गार दिया है, कितने माता बहनों को इन्होंने रोज़गार देने का कोई माध्यम बनाया या कोई साधन दिया है, या कितने युवाओं को इन लोगों ने शिक्षित करने का काम किया है, स्वास्थ्य देखिए, फील्ड देखिए, बाज़ार देख लिए, व्यवसायिक भी यहाँ बंधु यहाँ पर भारी संख्या में व्यवसायिक मंडी है, वो भी अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करते हैं। तो ये किस हम पूछना चाहते हैं कि 27 में से एक मैं और एक 26 उम्मीदवार चुनाव मैदान में है, उन लोग अपने अपने सामाजिक योगदान बताएं कि बिहिया में उन्होंने किस किस क्या क्या योगदान दिया है सामाजिक स्तर पर, किस मुद्दे पर वो चुनाव लड़ रहे हैं। अच्छा, तो हम आशुतोष जी जानना चाहेंगे, चूँकि निश्चित तौर से आप एक ब्राह्मण हैं और यदि बात करें बिहिया नगर पंचायत की तो अल्पसंख्यक है ब्राह्मण, इतने कम लोगों में, चूँकि निश्चित तौर से यदि चुनाव की बात करें तो जाति जनगणना बहुत ज़्यादा मायने रखती है, तो वैसे स्थिति में आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? देखिए आपको बता देना चाहते हैं, हम ब्राह्मण तो हैं ही, जाति से ब्राह्मण हैं लेकिन मैं एक सबसे पहले सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, और सामाजिक कार्यकर्ता का कोई न जात होता है न कोई पात होता है, वो गरीब अमीर ऊँच नीच ये सब भेदभाव समझते ही नहीं है, क्योंकि मैं जब अभी तक मैं अपना 6 बार ब्लड डोनेट किया हूँ,
तो ना जाति देखकर किया हूँ ना मेरी गरीबी देखकर किया हूँ। मेरे पिताजी भी 2002 में इस वार्ड नंबर 7 के वार्ड पार्षद रहे थे, तो उस समय सर्व समाज ने उनको वार्ड की वार्ड बनाया था। और 2007 में मेरी माताजी पुनः वार्ड जीती थी, इसी वार्ड से भारी बहुमत से जीती, उस समय से भी ज़्यादा बहुमत से जीती थी। तो हम लोगों ने कभी भी जाति पात की राजनीति किए ही नहीं है, शुरू से ही सर्व समाज को साथ में लेकर चले हैं, गरीबों की सेवा किए हैं, सरकारी योजनाओं को गरीबों तक पहुँचाने का काम किए हैं। कोई भी गरीब हो या पिछड़ा हो या दलित हो या किसी भी समाज से आता हो, हम लोगों ने उनको सेवा करने का काम किया है। तो इस बार इस चुनाव में जो जातीय कार्ड खेल रहे हैं, जो अपने जाति के, उनके पास कोई आधार नहीं है, कोई आधार नहीं है, जाति पर चुनाव लड़ रहे हैं, नहीं तो पैसे के बल पर चुनाव लड़ रहे हैं। तो इस बार जनता ने मूड बना लिया कि जो भी जाति के नाम पर चुनाव लड़ रहे हैं और जाति को केवल ठगने का काम करेंगे, जाति को बरगलाने का काम कर रहे हैं। कि आपकी जाति कार्ड नहीं चलने वाला? बिल्कुल जाति कार्ड नहीं चलेगा। हम नगर पंचायत की जनता जग चुकी है, बिल्कुल जग चुकी है, जानती है भी है नगर पंचायत की जनता कि जाति के नाम पर तो हम इनको जितवा देते हैं, लेकिन वो ना जाति होते हैं ना जमात के, वो सिर्फ और सिर्फ अपना फायदा देखते हैं, अपने बाल बच्चे का भविष्य बनाते हैं, और ना किसी अपने जाति के एक भी लड़के या उन लड़कियों को ना शिक्षित कर पाते हैं, ना लड़कियों के ब्याह में उनका योगदान होता है। टोटल आपके यहाँ वार्ड कितने? 14 वार्ड है हमारे यहाँ। आप 14 वार्ड कभी घूमने की कोशिश किए हैं? 14 वार्ड में हमने कभी, आप बात करें, हमने 3-3 बार दौरा किया है 14 वार्ड की। क्या स्थिति है, कहाँ कहाँ दिक्कत परेशानी? मतलब दिक्कत परेशानी, इतनी परेशानियाँ हैं कि जो गरीब हैं, वो जो गरीब माताएँ हैं वो रोती हैं, बोलती हैं कि देखिए बारिश का मौसम है, चूल्हा जहाँ बन रहा है वहाँ बारिश टपक रहा है। हम पूछते हैं इन लोगों से कि जो सरकार की योजना आवास योजना है आखिर किसको मिल रहा है, यहाँ पर तो देखने को मिल रहा है, पता चल रहा है कि जिसका मकान है, जिसका दुतल्ला मकान है, उसको आवास योजना दिया गया है। तो हम सारा पोल, मेरे पास स्टोरेज है, सारा कुछ है, मैंने इसका डाटा तैयार कर लिया, और चुनाव जीतते ही अगले दिन उन सारे वार्ड पार्षदों और जो भी इसमें संलिप्त होंगे अध्यक्ष, मैं उन पर ज़रूर कार्रवाई करूँगा कि क्योंकि अमीर का आप आवास दे रहे हैं, उसको क्या ज़रूरत है आवास की, गरीब का बिना जो हक गरीब को मिलना चाहिए वो यहाँ पर अपने 2-4 लोगों को ही दे पाते हैं, वो इस पर सख्त कार्रवाई हम करेंगे। यानी कि पूरी की तरह, पूरी तरह खोखला हो गया अभी यहाँ नगर पंचायत? खोखला ही नहीं, पूरी तरह खोखला तो हो ही गई, उन्होंने लूट कर खोखला कर दिया है। इतनी फंड आती है नगर पंचायत बिहिया में, लेकिन वो कहाँ जाती है फंड? आप हरेक महीने सफाई के नाम पर 10 लाख का पैसा आता है, 10.5 लाख का, यहाँ पर बना हुआ है 50,000 फलाना को, 25,000 उनको, ऊपर से नीचे तक भ्रष्टाचार में संलिप्त है। एक ये सफाई के नाम पर आता है कि आपका जेब में डालने के लिए पैसा आता है, सरकार आपको देती है यहाँ पर साफ सुथरा करने के लिए आपको, कि आपको जेब में डालने के लिए। तो अभी समय आने दीजिए, अभी तो जितने भी हैं वो चित पड़े हैं, और जितने भी भ्रष्टाचार में हैं उनको पता है कि हम चुनाव हार गए हैं, इस बार जनता हमको मौका नहीं दे रही है, पैसा का बल नहीं चलेगा, बाहुबलियों का बल नहीं चलेगा, इस बार एक सामाजिक कार्यकर्ता का बल चलेगा, और इस बार सामाजिक कार्यकर्ता चुनाव जीतेगा, और आने वाले समय में इन सबकी बोलती बंद होगी और सबका दरवाज़ा बंद हो जाएगा। चलिए, तो आप देख रहे थे आशुतोष मिश्रा हैं, युवा हैं और जुझारू हैं, सबसे बड़ी बात है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने की क्षमता रखते हैं। आपने देखा, इन्होंने बताया कि तमाम बिहिया नगर पंचायत की बात करें तो पूरा बिहिया नगर पंचायत को तमाम मुख्य पार्षदों के द्वारा खोखला कर दिया गया है, जितने भी फंड आ रहे हैं सब लूट लिया गया है, कहीं पे कोई विकास नहीं हुआ है। जब विकास नहीं हुआ है तो फिर कैसे वो लोग मुंह उठाए फिर से मुख्य पार्षद चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं, उनको सोचना चाहिए। एक बार तमाम बिहिया की भगवान रूपी जनता से हम आग्रह करेंगे कि 20 साल से आपको मौका नहीं मिल रहा था, लेकिन इस बार आपको मौका मिला। 20 साल से पैसे के बल पर लोग बन रहे थे, जैसे भी वो अध्यक्ष की कुर्सी पर काबिज हो रहे थे, उस लायक थे हो या नहीं हो, लेकिन अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठ रहे थे, और कुर्सी का सौदा तक भी बिहिया बाज़ार, बिहिया नगर पंचायत में हुआ है, और उन लोगों ने किया है, सौदा हुआ जी। बिहिया पूरे बिहार में एक बिहिया नगर पंचायत है जो बिहिया की कुर्सी, नगर अध्यक्ष की कुर्सी, जो प्रथम व्यक्ति की कुर्सी होती है, एक पूरे बिहिया की सुशोभित कर दी है, उसका सौदा इन लोगों ने किया है। तो जनता इस बार करारा जवाब देगी और उनको बख्शेगी नहीं, ऐसी स्थिति उनकी ऐसी स्थिति लाएगी कि वो भविष्य में चुनाव लड़ने के लायक नहीं होंगे। हम पूरे बिहिया की जनता से, भगवान रूपी जनता और युवा साथियों से आग्रह करेंगे कि 10 तारीख को नल छाप पर भारी बहुमत से, एक तरफा बहुमत देकर एक सामाजिक कार्यकर्ता को जिताएं, ताकि आने वाले समय में
कोई भी ऐसा काम करने में या भ्रष्टाचार में संलिप्त, हम सोचे कि जैसा करेंगे वैसा ही हमको पाना पड़ेगा। तो 10 तारीख को नल छप क्रमांक संख्या 3 पर भारी से भारी बहुमत से अपना प्रत्याशी, अपना नेता नहीं बेटा चुनिए जो आपकी सुन सके, ना कि पैसों वाले और बाहुबलियों की सुने। आप खुद का आप उसकी पहचान कीजिए और इस बार आपके पास मौका है, बस हम यही आपसे आग्रह करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आशुतोष मिश्रा जी। आप देख रहे हैं आशुतोष मिश्रा हैं, युवा नेता हैं और अब की बार चुनावी मैदान में हैं ज़बरदस्त तरीके से। हालांकि पारिवारिक हिस्ट्री भी राजनीति से कहीं ना कहीं रही है, वार्ड पार्षद की माँ, इनके पिताजी भी रहे हैं, लेकिन अब की बार जनता की सरकार होगी। आप देख रहे हैं बिहिया नगर पंचायत की जनता जग चुकी है और किसी के बहकावे में या किसी के फुसलावे में अब की बार बिहिया नगर पंचायत की जनता नहीं आने वाली है, ये मुझे विश्वास है। क्योंकि यहाँ के जितने भी लोग हैं, प्राउड हैं, मैच्योर्ड हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, शिक्षित लोग हैं और तमाम लोगों को पता है, बुद्धिजीवी लोग हैं, इन लोगों को पता है कि उचित क्या है और कौन कैंडिडेट बिहिया नगर पंचायत का विकास कर सकता है, कौन लूटने के लिए है, कौन झांसा दे रहा है, कौन बरगला रहा है। अब की बार निश्चित तौर से जनता की सरकार होगी और जनता सोच समझ के वोट देगी। यदि आपको लगेगा कि नहीं आशुतोष मिश्रा युवा हैं, उचित कैंडिडेट है, यदि ये बिहिया नगर पंचायत का विकास कर सकते हैं, तो निश्चित तौर से इनका आप सपोर्ट करें। देखते रहे समृद्धि चैनल, कैमरा पर्सन विद के साथ।